बच्चों की फेवरेट चॉकलेट बार या चॉकलेट रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी और हमें कैसे बनानी होगी तो वो मैं आपको बता देती हूँ। साथ साथ आप इंग्रेडिएंट भी नोट करते जाना कैसे कैसे बनानी। मैंने एक ले लिया एक बाउल और ये लिया है मैंने एक कप कोका पाउडर, कोकोआ पाउडर ये देखिए, और ये हाफ कप लिया है मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ये आइसिंग शुगर है। आप चाहे तो चीनी को मिक्सी में ग्राइंड करके पाउडर भी बना सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हाफ कप हमें यहाँ लेनी है, हाफ कप मिल्क पाउडर, हाफ कप हम ये आइसिंग शुगर लेंगे और एक कप लेंगे कोका पाउडर। ये तीन इन्ग्रीडियंट्स की हेल्प से हम चॉकलेट बार बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। नाउ मिक्स इट वेरी वेल, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सभी चीज़ें जो हैं, तो ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है इसे अच्छे से। अब चलते हैं अपने गैस की तरफ। हम तो गैस ऑन कर ली है, मैंने एक बर्तन लिया है जिसमें मैंने हाफ जो है पानी लिया है, आधा पानी लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक और बाउल लेंगे। ये देखिए मैंने एक बाउल ले लिया है। बस ऐसा करना कि बर्तन जो है हमारा वो ऊंचा रहे। और इसमें मैंने कम से कम 100 ग्राम बटर लिया है। आप बटर की बजाय आप कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो खाने वाला कोकोनट ऑयल होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम जो है यहाँ पे बटर यूज़ किया है। अब हम इसे मेल्ट करेंगे और फ्लेम मीडियम रखेंगे अपनी, और पानी जो है इस बाउल को टच नहीं होना चाहिए, बस इतना हम रख इतना पानी इसमें लेंगे। और जब ये बटर पिघलने लग जाएगा तो हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी ये गर्म होगा तो ये बटर अपने आप पिघलने शुरू हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए हमारा जो बटर है वो मेल्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे जो हमने मिक्स किए थे, कोका पाउडर और मिल्क पाउडर, वो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। बस हमने थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एकदम से सारा चीज़ें नहीं डालनी है। बस थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिक्स करते जाएंगे और लम्ब्स हमें इसमें नहीं डालने देना है, लम्ब्स नहीं डालने, बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बस थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें ये डालते चले जाएँ। अब हम इसमें मोल्ड में डाल सकते हैं, आपके पास मोल्ड है वो उसमें डाल सकते हैं। आपको ऑनलाइन मिल सकता है, मार्केट में मिल जाते हैं मोल्ड्स, तरह तरह के चॉकलेट्स मोल्ड्स आपको मिल जाएंगे, सिलिकॉन के मोल्ड मिलते हैं। मेरे पास घर में ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आपके घर में अवेलेबल है। आप कहीं भी, आप गाँव में रहते हैं आप गाँव में भी ये बना सकते हैं, आप शहर में रहते हैं तो भी ये बना सकते हैं। अगर आप बाहर पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं तो ये बहुत जो ये चीज़ें हैं, ये देखिए ये मेरे पास पहले से ही पड़ा था। इसमें मैं मेरे पास कुछ कुकीज़ थे वो डले थे, वो ये ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ईजी है और सस्ता पड़ेगा आपको सारी चीज़ें। और एक मेरे पास एक ढक्कन था किसी चीज़ का, इसमें कुछ तरह के खाने पीने के बच्चों की चॉकलेट्स वगैरह आई थी, तो वो ये ढक्कन प्लास्टिक का है, इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं और एक चॉकलेट बार बड़ी बना सकते हैं। तो ये दो चीज़ें मैं आपके शेयर कर रही हूँ। अब हम डालते हैं इसमें, मैं इसे ये देखिए इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालती चली जाऊँगी, आप साथ साथ देखते रहना कि इसे किस तरह से डालना है। तो हमारा ये जो है ये बिल्कुल तैयार है और हम थोड़ा थोड़ा इसमें डलते चले जाएंगे। ये देखिए आपको जैसी भी शेप चाहिए वैसे भी आपको मिल सकता है। ये देखिए हम मोल्ड में एक एक करके हम ऐसे इसमें डालते चले जाएंगे, ये जो बॉक्सेस बने हैं। ये देखिए अब मैं इसमें आपको दिखाऊंगी, ये इसमें भी आप बना सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा है तो आप ऐसा भी ले सकते हैं और इसमें बहुत बड़ी चॉकलेट आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए इसमें भी आप ऐसे करके अच्छे से, ताकि कोई भी कोना छूटे ना। और ये मैंने इसमें, ये देखिए 6 इसमें बन गई हैं और एक मैं बड़ी चॉकलेट बना के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए हमारी चॉकलेट मैक्स मात्र सिर्फ 2 घंटे में बनकर तैयार है। ये देखिए कितनी, आप कैसे भी कर लें, ये देखिए कि बिल्कुल नहीं गिर रही है, जम चुकी है अच्छे से। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे बहुत आराम से, ये देखिए, और आपके आराम से निकाल के ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये निकल चुकी है और बहुत ही बढ़िया चॉकलेट हमारी बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रही है दिखने में, लुक इसका कितना अच्छा आया है। ये तो डिज़ाइन इसमें ऑलरेडी बना हुआ था तो इस तरह से डिज़ाइन बनकर आ गया है। और इसे मोल्ड करने में हमें थोड़ा सा समय लगेगा। अब हम इसे डीमोल्ड करने के लिए बस ऐसे इसको यहाँ से साइड से प्रेस करेंगे और ऊपर से इसको पुश करेंगे। ये देखिए हमारी
ये देखिए क्या चॉकलेट बनकर हमारी तैयार हुई है। ये देखिए बहुत बढ़िया जो चॉकलेट्स बनकर बच्चों की फेवरेट होती है रेसिपी ये, और उनको बहुत पसंद होती है। आप घर पे बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये थोड़ी मैंने ज़्यादा जोर लगा दिया तो ये थोड़ी क्रैक हो गई है, तो इसे मैं नहीं आपको दिखा रही हूँ, हालांकि ये खाने में बुरी नहीं है। तो ये देखिए हमारी चॉकलेट रेसिपी, चॉकलेट बार, देखिए चॉकलेट बार बनकर तैयार है। ये हमारे चॉकलेट्स बनकर तैयार है। शेप्स आप, अगर आपको शेप चाहिए तो आपको सिलिकॉन मोल्ड आप ले सकते हैं, उसमें ये रेसिपी बना सकते हैं। मैंने बहुत इजी तरीके से बहुत कम समय में आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और जानकारों के साथ, और साथ ही मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपका जो आपने मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय जी।